हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टेलर स्ट्रक्चर से लिया गया है। टॉपिक का नाम है टैग बोल्ट। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में जो मिडिल पोर्शन में ये बोल्ट जो दिख रहा है, इसी बोल्ट को हम लोग टैग बोल्ट बोलते हैं। ये जो बोल्ट हमारा है, इस बोल्ट को हम टैग बोल्ट नहीं बोलेंगे। टैग बोल्ट ऑलवेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द गस्सेट प्लेट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो हमारा होल स्ट्रक्चर का जो एल इफेक्टिव है, उसे डिनोट किया गया है एल इफेक्टिव 1 से, एंड जो टैग बोल्ट का एल इफेक्टिव है, उसे एल इफेक्टिव 2 से डिनोट किया गया है, ठीक है। और ये जो टैग बोल्ट, ये जो नीचे रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है, ये बासर प्लेट इसे हम बोलते हैं, जिसका थिकनेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गसेट प्लेट होता है, ठीक है। तो टैग बोल्ट क्यों यूज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर में? तो किसी भी दो तो स्ट्रक्चर मेंबर को यूनाइट करने के लिए, उसे यूनिशन सेक्शन बनाने के लिए हम लोग टैग बोल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब गसेट प्लेट के बारे में आप लोग जानते होंगे। गसेट प्लेट जो होता है, लोड ट्रांसफ़र करता है, थ्रू गसेट प्लेट लोड ट्रांसफ़र होता है। बट टैग बोल्ट में ऐसा कुछ नहीं है। टैग बोल्ट के थ्रू कोई भी लोड ट्रांसफ़र नहीं होता है, टैग बोल्ट कोई भी लोड कैरी नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। टैग बोल्ट ऑलवेज प्रोवाइडेड, ये मैं आपको बता दिया हूँ कि हमेशा गसेट प्लेट के बाहर ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ मेंबर कंपोनेंट बिटवीन द टैग बोल्ट, जो टैग बोल्ट के बीच जो मेंबर है उसका बकलिंग को कंट्रोल करने या प्रिवेंट करने के लिए एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। जो लैम्डा ऑफ टैग बोल्ट होगा इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइड बाय गामा मिनिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये इस पे कभी कभी आ जाता है। और ये देखिए, इन केस ऑफ प्लेट कनेक्शन मैक्सिमम पिच ऑफ द बोल्ट, पिच आपको पता ही है, तो जो मैक्सिमम पिच ऑफ द बोल्ट होता है इन प्लेट कनेक्शन, ये ध्यान रखना है कि इस केस में इन प्लेट कनेक्शन मिनिमम ऑफ 32T और 300 mm कब होगा ये? इफ़ प्लेट नॉट एक्सपोज टू वेदर, यदि ये वेदर में एक्सपोज नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। अब जब ये एक्सपोज टू वेदर होगा, तो जो मैक्सिमम पिच होगा वो हमारा मिनिमम ऑफ 16T एंड 200 mm में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा। टी क्या होगा? टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक। अब ये जो हमारा था प्लेट सेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, वेन एंगल टी सेक्शन चैनल सेक्शन आर यूज्ड, देन मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द टैग बोल्ट फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट बी मोर देन 600 mm, ठीक है, एंड फॉर टेंशन मेंबर शुड कैन नॉट बी मोर देन 1000 mm। तो ये बोलता है, अभी इससे पहले हम लोग जो क्राइटेरिया देखे थे पिच का, मैक्सिमम पिच का, वो प्लेट सेक्शन के लिए था। लेकिन जब एंगल सेक्शन, टी सेक्शन और चैनल सेक्शन यूज होगा हमारा एज ए मेंबर, स्ट्रक्चर मेंबर, तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगा टैग बोल्ट के बीच का, वो कंप्रेशन मेंबर में 600 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टेंशन मेंबर में 1000 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।